अपने मन को कैसे समझे और कैसे उसे अपने काबू में करे। अपने मन को समझने और उसे रूपांतरित करने के 6 महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहले जानते हैं अपने मन को कैसे समझे। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतर का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा ये देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता तुम्हें ये सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस प्रश्न को समझना आवश्यक है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने ये अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, और क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं आएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है ये समझना होगा। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वो व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहां पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजे, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, मैं अब से इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़ पाया हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी भी है और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलिए कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वो कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनना। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा है। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वो क्या है ये उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एक कदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना है कि उसे मन में कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वो तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है, ये दोनों ही आतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्दी उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे, तो उसका उत्तर ये है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें आतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं।
अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी न उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वो आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है, पहली शुरुआत ना करना और दूसरी पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊँ। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपनी जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के छह चरणों को ध्यान से समझिए। एक, थोड़ी जागरूकता के साथ ये देख लेना कि ये मन ही दुख के बीज बोता है। दो, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीन, सुनना। चार, सुने हुए को कार्य में लाना। पाँच, जागरूकता जिससे आप मार्ग से भटके ना। और छह, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वो नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआत के पांच चरण बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अभी आप कौन से चरण पर है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।